अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडुका सिल्वर सीरीज इंटीरियर प्राइमर। जी हाँ दोस्तों, ये सीमेंट प्राइमर है और ये जो है पुट्टी करने के बाद लगाया जाता है। ये रहा इंडुका का, और जिसका रेट जो है 20 लीटर का आप देख सकते हैं, जो 2135 रुपया है। जी हाँ दोस्तों, ये अंदर का है, ये बाहर वाला और दूसरा तरह है बाल्टी, और ये ग्रीन वाला बाल्टीन जो है आप देख सकते हैं, ये रहा अंदर के लिए इंटीरियर प्राइमर्स जो पुट्टी करने के बाद किया जाता है। या तो आप इसमें जो है कलर डाल के आप बना सकते हैं, या वैसे भी लगा सकते हैं। और ये रहा बाल्टी 10 लीटर का बाल्टी, जैसा कि हम इसका रेट देख सकते हैं 1100 रुपया पड़ता है। 10 लीटर की बाल्टी 1100 रुपया रेट पड़ता है। तो मैंने 30 लीटर माल मंगवाया है, 20 लीटर और 10 लीटर। और बगल में जो है बाल्टी, ये रहा बाहर के लिए 20 लीटर। तो बाहर के लिए मैं बाद में बात करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कलाकार राजीव रंजन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कलाकार झकास। दोस्तों, झकास पे झकास वीडियो आते रहता, आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हर चीज़ का जो है मैं अपडेट देते रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और कौन सा प्राइमर, कौन सा पेंट, कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज किया जाता है, और किस पेंट में और प्राइमर में किस कितना पानी मिक्स किया जाता है, तो हर तरह का वीडियो हम इस पे लाते रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये रहा 20 लीटर की बाल्टी हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको बाल्टी को हम खोलते हैं। बाल्टी खोलने के बाद जो है हम आप लोग को दिखाते हैं जो हम कितना प्राइमर में कितना पानी मिक्स करते हैं। तो ये रहा अंदर की और बाहर की कुछ और रहता है। ये भी एशियन जैसा ही मटेरियल है, हमने यूज करके दिखाया और इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो ये भी अंदर के लिए बहुत बढ़िया है इंडुका का, और नया नया जितना भी कंपनी का मटेरियल आता है तो सबसे अच्छा ही होता है, बाद में जो भी हो। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, ये भी एक तरह क्रीम कलर जैसा ही प्राइमर है, जिस तरह एशियन का प्राइमर हो और प्राइमर जो है क्रीम कलर का आता है, उसी तरह जो है इसमें भी है। तो हम इतना दूसरी बाल्टी अभी है नहीं, तो हम इसमें अभी 10 लीटर ही बना रहे हैं। तो 10 लीटर में हम इसमें कम से कम 6 से 8 लीटर तक पानी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्रश से लगाएंगे तो हम 8 लीटर तक पानी यूज कर सकते हैं, अगर रोलर से लगाएंगे तो 6 लीटर तक ही पानी यूज कर सकते हैं 10 लीटर में। तो फिलहाल हम अभी 10 ही लीटर बना रहे हैं, ज़्यादा अभी नहीं बना रहे। बाल्टी खाली होने के बाद हम बाद में और बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम 8 लीटर तक इसमें पानी यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारी मिस्त्री जो है अभी बना रहा, और इसमें 100 रुपया का टोकन भी मिलता है। 20 लीटर में जो है इंडुको का इंटीरियर प्राइमर सिल्वर सीरीज में है, जो 100 रुपया का टोकन भी मिलता है। तो इसके बाद हम चलते हैं कौन सा ब्रश और कौन सा रूलर यूज कर रहे हैं। तो हम सब अभी एशियन का रूलर और ब्रश यूज कर रहे हैं, तो हम आप लोग को दिखा रहे हैं। और ये रहा एशियन का एक्सटीरियर रूलर, जिसका रेट जो है 250 रुपया है। आप ये बाहर भी और अंदर भी यूज कर सकते हैं रोलर, पेंट के लिए अंदर ये रोलर नहीं है, प्राइमर के लिए आप लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा ऊन वाला है, तो ये थोड़ा लंबा ऊन है, तो ये चल सकता है प्राइमर के लिए। पेंट के लिए आपको इंटीरियर रूलर आपको लगाना चाहिए। तो हम अभी पेंट नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइमर पे ही फाइनल करेंगे। तो 1-2 साल बाद हम प्राइमर के बाद जो पेंट करवाएंगे। तो जैसा कि ये 4 इंच का ब्रश है, ये भी एशियन का ही ब्रश है, जिसका रेट जो है 280 रुपया पड़ता है। तो हम इससे पहले वीडियो हम बना के आप लोग को दिखाए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो रोलर ब्रश के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं, तो आप लोग
इस चैनल पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों एक और चैनल है मेरा, दो चैनल और है, एक के राजीव रंजन ग्रीन वीडियो और राजीव कलाकार राजीव रंजन ऑफिशियल। जी हाँ दोस्तों, तो दोनों चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम ब्लॉग चैनल पर जो है ये सब वीडियो लाते रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम आप लोग को दिखा रहे हैं, जहाँ रोलर चलने वाला है वहाँ पर हम रोलर, जो हमारे मिस्त्री रोलर चला रहा है और एक मिस्त्री जो है अभी ब्रश से कटिंग कर रहे हैं कोना नुक्कड़ सब पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया प्राइमर है अंदर के लिए, ऐसा कि हम बार बार इंडिको का, एशियन का, बर्जर का, ये सब का हम अधिकतर यूज कर रहे हैं, तो ये सब में हमको ज़्यादा जानकारी है, इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस तरह आप कर रहे हैं, अगर कोई और जानकारी चाहते हैं, तो ज़रूर हम लोग को जो है हमको कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों। तो इसी तरह यूज किया जाता है, जैसे कि हम ये रूम बाहर अंदर जो है डबल कोट, सबसे पहले वाइट सीमेंट मारे एक कोट, उसके बाद जो है डबल कोट पुट्टी किए दो दिन छोड़ के, उसके बाद जो है सैंडिंग पेपर लगाएं, उसके बाद सफाई करके, इसके बाद हम जो है एक कोट प्राइमर कर रहे हैं। तो प्राइमर अभी दो साल तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद जो है इस पर कलर होगा। तो दोस्तों आप जैसा कि आप अगर अभी प्राइमर कर रहे हैं, तो इसमें आप स्टेनर से कलर बनाकर भी यूज कर सकते हैं, लाइट कलर। अगर डार्क कलर कीजिएगा तो बाद में फिर आपको एक बार प्राइमर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्कॉटिंग और कहीं कहीं जो है रेड कलर, सिग्नल रेड एपेक्स में जो है हमने कर दिया है, तो फाइनल कर दिए हैं रूम अभी तक में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे दोस्तों। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर हम लोग हमको कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा जो कैसा लगा वीडियो और क्या जानकारी मिला दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।